नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले में एक कोयला खदान ढहने से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य के फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सेक्टर श्री गंगानगर से लगी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बलों ने यहां पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन को ढेर कर उसमें से हेरोइन बरामद की है। दिल्ली के अशोकभूमि कन्वेंशन सेंटर में P20 सम्मेलन का आगाज होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ईडी की जांच में दाऊद इब्राहिम के भाई मुश्तकीन के तार महादेव ऐप के संस्थापक सौरभ चंद्राकर से जुड़े होने का पता चला है। उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी CM ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद को सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख लिया है। पाठक ने अपने नाम के आगे सर्वेंट लगा लिया है। जयपुर पेपर लीक मामले को लेकर राज्य में ईडी की रेड चल रही है। ये रेड डूंगरपुर के सागवाड़ा इलाके की पुनर्वास कॉलोनी में चल रही है। रेड कांग्रेसी नेता के रिश्तेदार अशोक जैन के यहाँ चल रही है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी है कि अफगानिस्तान में रिश्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया है। इस सप्ताह देश में आया दूसरा भूकंप है। NCS के मुताबिक शुक्रवार सुबह 6:40 पर 50 किलोमीटर के गहराई पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए लेवल 2 के एडवाइजरी जारी की और अपने नागरिकों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने को कहा है। जयपुर में कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। गैर विवादित करीब 70 सीटों पर पैनल बनेंगे। आलाकमान को टिकट चयन के सारे अधिकार सौंपे जाएंगे। 190 से ज्यादा बच्चों की हत्या की बात कबूल करने वाले कोलंबिया सीरियल किलर के अस्पताल में मौत हो गई है। जेल अधिकारी ने कहा कि इस कोलंबियाई सीरियल किलर ने 1990 के दशक के दौरान 190 से अधिक बच्चों की हत्या करने की बात कबूली थी। इसराइल से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा है कि यह पहली बार है कि हमें वहां की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमें वापस लाने के लिए हम भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे सहित राज्य के 24 नेताओं को चुनाव से पहले केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की गई। नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स द्वारा पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए नामांकित किया गया। इसराइल की तरफ से लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी की जा रही है। पश्चिमी मुल्कों की तरफ से लगातार इसराइल को समर्थन प्राप्त हो रहा है। अयोध्या में 5 एकड़ पर प्रस्तावित मस्जिद के नाम के साथ अब इसकी डिजाइन को भी बदलने का फैसला लिया गया। अब ये भारत में बनी मस्जिद जैसी नहीं होगी। विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर की स्क्रिप्ट को ऑस्कर लाइब्रेरी द्वारा एकेडमिक कलेक्शन में एक्सेप्ट कर लिया गया है। डायरेक्टर ने खुद इस न्यूज को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। घरेलू शेयर बाजार ने सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को कारोबार की खराब शुरुआत की। बाजार में कारोबार की शुरुआत होते ही दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़क गए। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विवेकानंद शंकर पाटिल, उनके परिवार, उनके नियंत्रण वाली एक सहकारी समिति की 150 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां कुर्क कर ली है। शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सालार क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख की डंकी पोस्टपोन हो सकती है। तनुश्री दत्ता और राखी सावंत के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में तनुश्री ने राखी सावंत के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।